हेलो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 4.8 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर था जिस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो 4.8 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था। ठीक, अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, ठीक है, वो पर सेकंड इसमें से पास कर रहा है यानी एन बाई टी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यानी टाइम सेकंड में लेते हैं ना, तो हमको एन बाई टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इतना गिवन है। ठीक, इसके लिए आपको गिवन सॉल्यूशन में एक बार लिखना होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो एन नहीं पता हमें, ठीक है, टी हमें वो भी नहीं पता है, उसके बाद से लेकिन हमें आई दिया गया है, कितना दिया गया है 4.8 एम्पीयर, और क्या है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर, हर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो दैट, हमें क्या फॉर्मूला पता होगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, और Q इज इक्वल टू होता है एन ई बाई टी। ठीक है, अब इट मीन्स कि I इज इक्वल टू एन ई बाई टी होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, N और T की वैल्यू चाहिए थी ना, एन बाई टी, तो एन बाई टी आप यहां रखिए और I ये E अगर इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो जाएगा यानी नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू एन बाई टी। ठीक है, अब यहां से I की वैल्यू आपको पता थी कितना 4.8 और E की वैल्यू आपको पता थी कितना 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, 16 बन जा 16 ये कितने हो गए, 3 बार में, ठीक है, क्योंकि 16 × 3 = 48 और ये नीचे नेगेटिव है ऊपर तक करके पॉजिटिव हो जाएगा यानी 3 × 10⁻¹ जो नेगेटिव है वो ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या था, n बाई टी की वैल्यू थी यानी 3 × 10⁻¹⁹, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी।